गलतफहमी में करण कुंद्रा को राज कुंद्रा समझकर किया गया है बुरी तरीके से ट्रोल। ऐसे में करण कुंद्रा भी रह गए हैं हैरान कि उन्होंने क्या कर डाला। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को पता है फिलहाल रीसेंट मामला राज कुंद्रा को लेकर, राज कुंद्रा को हिरासत में ले लिया गया है एडल्ट फिल्म्स बनाने को लेकर। अब ऐसे में करण कुंद्रा को राज कुंद्रा से जोड़ा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि बेसिकली करण कुंद्रा राज कुंद्रा है, जिसके बाद करण कुंद्रा को काफ़ी खरी खोटी सुनाई जा रही है। जब करण कुंद्रा सुबह उठते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि उन्हें हर जगह ट्विटर से लेकर हर सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी खरी खोटी सुनाया जा रहा है। हालांकि करण कुंद्रा को कुछ मामला समझ नहीं आया कि उन्हें इतनी गलत बातें या इतनी गंदी बातें क्यों कही जा रही है, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि लोग उन्हें राज कुंद्रा समझ रहे हैं। वो राज कुंद्रा जो कि एडल्ट फिल्म बनाने की वजह से, शिल्पा शेट्टी के पति एडल्ट फिल्म बनाने की वजह से जेल में बंद है। अब ऐसे में करण कुंद्रा को तो काफ़ी बुरा लगा। करण कुंद्रा ने साफ तौर पर तमाम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि फाइनली मैं करण कुंद्रा हूँ, मैं राज कुंद्रा नहीं हूँ। ऐसे वो उनका कहना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जो भी मामला है ये राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ मामला है। तो करण कुंद्रा ने अपने तमाम लोगों को, जो लोगों ने ट्रोल किया उन्हें, उन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ये गलतफहमी को दूर की। इसी के साथ करण कुंद्रा ने ये भी बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग उन्हें शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड समझ लेते हैं। सो गाइज, आखिरकार इस खबर पर आपके क्या है रिएक्शंस? जब करण कुंद्रा को राज कुंद्रा समझ लिया गया, आपके क्या है रिएक्शन इस खबर पर? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।